मेरा नाम है सनिया और मेरा नाम है शिवाई एंड टुगेदर वी आर सीन एंड शेप। तो आज की हम सबसे पहले आप लोगों से अपोलोजाइज करना चाहते हैं क्योंकि हम काफ़ी देर से इनकंसिस्टेंट हैं एंड द कॉन्टेंट दैट वी प्रोमिस्ड यू ऑल हम वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। द प्लेंटी ऑफ रीजंस, पर्सनल रीजंस व्हाई वी वर बिजी एंड सेकंड ऑफ ऑल हमारे मिथ्स चल रहे थे। तो यू नो हम यहाँ पढ़ाई करने आए हैं तो पढ़ाई सबसे पहले एंड नाउ सनी इज़ गोइंग टू टेल यू अबाउट आवर वीडियो टुडे। सो आज हम कुकी अपडेट बता रहे कि इट्स बिन ऑलमोस्ट अ मंथ एंड कुकी का डॉग सीरीज का एपिसोड 2 है आज। छोटी बहुत ट्रेनिंग और सारा कुछ, तो स्टे ट्यून्ड। ओके, तो ऑलमोस्ट कुकी को हमारे साथ 2 months होने वाले हैं। January 5th को इसको हमारे साथ 2 months हो जाएंगे। तो वी फिल्म्ड हर वीडियो एज यू ऑल नो द फर्स्ट डे दैट शी केम हियर एंड उसके एग्जैक्टली 7 days बाद हम बैठ के गए थे इसकी फर्स्ट वैक्सीन के लिए। उसमें उसने इसको 2 दवाइयाँ खिलाई थी और एक इंजेक्शन लगाया था and they also provided us with a book that we will show you when we take her for her second vaccine. We'll take you on that trip as well. So, uske baad everything was fine, everything was good. Humne usko pehla shower de diya ghar pe. Humne wo film nahi kiya because it was a very scary experience for us because hume dar bhi laga tha aur thand bhi chal rahi thi. So, yeah, we didn't film that. Aur uske baad I think महीने के अंदर अंदर ही ना, पहले महीने के अंदर अंदर ही जो उसको हुआ था। हाँ, इसका पेट खराब हो गया था और पता नहीं क्यों खराब हुआ था कि शी वाज हैविंग लूज डायरिया सिंस बॉर्निंग एंड फिर हम उसको इमरजेंसी हॉस्पिटल लेके गए। शी वाज आल्सो वेरी वीक, नो निढाल पड़ी हुई है, जुबान निकल गई है, तो बहुत वेरी स्केरी फॉर अस। तो फिर हमने सोचा क्यों ना हम इसको वेट के पास ले जाएँ, तो फिर हम इमरजेंसी उसको वेट के पास लेके गए थे। तो जब हम वेट के पास गए तो उन्होंने डॉक्टर ने हमें ये कहा कि शी इज़ जस्ट टीथिंग, तो बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन। एंड जैसे नॉर्मल बेबीज होते हैं इंसानों के, उनको भी जब डांट निकल रहे होते हैं तो डायरिया लग जाता है। तो इवन इन डॉग्स जब दे आर टीथिंग एंड शी गॉट डायरिया फॉर ऑलमोस्ट 1 day, तो दैट्स इट। और ये था, इंशाल्लाह नेक्स्ट वैक्सीनेशन पे हम साथ आपको लेके जाएंगे कि कहाँ इसका बेड और क्या कॉस्ट आती है हमें। और तो फिर आज हम इसको ट्रेन कर रहे हैं, छोटी सी कुछ ट्रिक्स सीखी हैं अभी, बट शी इज स्टिल इन द प्रोसेस क्योंकि इट्स बिन ओनली अ मंथ एंड 15 days। तो ये कि हाँ, पॉटी ट्रेनिंग के हिसाब से शी इज़ ऑलमोस्ट 90% ट्रेंड, बट ये कि कभी कभार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं व्हेन शी इज़ टू हाइपर, बट दैट्स नॉट फॉर पॉटी, दैट्स फॉर पी। या मोस्टली पी, पॉटी शी इज़ पॉटी ट्रेंड परफेक्टली राइट नाउ, शी जस्ट पूप्स in the designated place, yeah, in the pump, on the pamper or bus. Peeing, yes, because when we are away, ke hum agar koi kaam kar rahe hain aur agar bahut she is too hyper, aur ye maine ek baar bhi notice kiya, agar she is not getting the attention she wants exactly, tab bhi like aayegi paon mein ghusi jayegi aur isko attention nahi milega, to fir wo gusse mein kehti hai ki jao fir, tum logo ne mujhe muh nahi lagana to I will make problems for you. Okay. तो ऑब्वियसली बात है, व्हेन यू हैव अ न्यू पपी एट होम, एज आई सेड कि यू नीड टू लाइक वॉच इट लाइक अ हॉक, बिकॉज आपको नहीं पता तो उसकी छोटी सी बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा इफ शी नीड्स टू गो, एंड इट्स बेटर कि आप उस चीज़ पे नजर रखो अगर वो खुद नहीं जा रही तो। रखा एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स ने नया पपी खरीदा है एंड देयर सेड के पॉटी ट्रेनिंग और पी ट्रेनिंग कैसे करनी है। पॉटी ट्रेनिंग की मैं 2 tips दूंगी। जब आप उसके साथ खेल रहे हैं, कीप योर पैम्पर नेक्स्ट टू यू, और जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि वी आर कीपिंग पैम्पर नेक्स्ट टू अस, कि अगर व्हेन शी इज टू हाइपर, बजाय शी पीज ऑन द कारपेट, यू जस्ट पुट हर ऑन द पैम्पर, और व्हेन शी इज प्लेइंग ट्राई टू कीप पैम्पर नेक्स्ट टू यू एंड आफ्टर फूड एंड आफ्टर स्लीप। जब भी शी इज अप फ्रॉम हर नैप,
प्लीज अगर वो खुद नहीं जा रही तो टेक बाय योर सेल्फ टू हर पैम्पर और इवन आफ्टर फूड. हाँ, क्योंकि अब तक सिर्फ एक ही दफा इसने हमारे ऊपर किया है भी, और वो भी इसलिए बिकॉज़ वी वर आउटसाइड एंड शी वाज स्लीपिंग. और जब हमने दरवाज़ा खोला है और हम आए और मैंने फौरन गोद उठाया उसको, तो एक्साइटमेंट में आके शी पीड ऑन मी बिकॉज़ शी वोक अप. और यू नो इफ देयर स्लीपिंग फॉर लाइक, क्योंकि मेरे से दो तीन दफ़ा हुआ है कि शी स्लेप्ट इन विद मी इन माय बेड, और रात को 1 बजे की सोई 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 सोई, सुबह 9 बजे तक हिलती नहीं है. तो यू इमेजिन लाइक 2 महीने का बच्चा 1 से लेकर 9 बजे तक 8 घंटे सोई है, तो उठेगी तो she cannot even like think and she'd be. Yeah. So you need to be really careful. तो बस ये थे छोटी मोटी टिप्स. और अब हम आपको और also about the biting. Yeah, biting. Because especially mostly all puppies and अगर rug dog है, जैसे she's a rug dog, तो when about 6 months until she hits her maturity, look, she is gonna bite. Because she's still teething, इसके दांत अभी बिल्कुल नहीं निकले हैं and खाली इसके स्मॉल बेबी टीथ निकले हुए, अभी प्रॉपर टीथिंग नहीं हुई है इसकी, तो शी स्टिल बाइटिंग अस. और बहुत मुश्किल से हम घर में चलते हैं क्योंकि शी इज़ बाइटिंग आवर टोज, शी इज़ बाइटिंग आवर स्लिपर्स, शी इज़ बाइटिंग आवर पैंट्स. तो यस, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, बट शी इज गोना स्टॉप इवेंचुअली बिकॉज व्हेन शी इज गोना हिट हर मैच्योरिटी नाउ. हाँ, और एक और बात, लाइक दे से के If a puppy has too much energy और उनको भूख लगी हो तब भी वो ज़्यादा bite करते हैं, तो हमारे केस में yes she is teething and the second thing is she also has a lot of energy all the time because she is a puppy and she is too hyper. नहीं, and because it's so cold outside and it's advised कि इसको 15 मिनट की walk देनी चाहिए बाहर twice a day. And if she gets that, then she will not be hyper at all when she comes home. Like hyper in a sense कि रात को 3 बजे कल इसको ऐसा दौरा चढ़ गया था कि भागे आ जा रही थी, भागे आ जा रही थी, भागे आ जा रही थी randomly, कि हमें तो लगा था कि पता नहीं इसको क्या ही नज़र आ रहा है जिसके साथ ये खेल रही है. But yes, तो अगर तो आप जहाँ रहते हो और वहाँ पर temperature अच्छा है, अभी छोटी है, बाहर जाती है तो उसको फ्लू शुरू हो जाता है, तो इसका नाक बंद हो जाता है और सख्त जैसे बूढ़े बाबे सांस ले रहे होते ना करके, तो वैसे ये सांस ले रही होती है. तो इसलिए हमने 2-3 दफ़ा ट्राई किया है, पर अब रात के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं, और सुबह भी अगर बहुत अच्छा सूरज निकला हो ना और टेम्परेचर अच्छा हो. बिल्कुल. और ये हमने पिछले हफ्ते गलती की थी कि आई टुक हर टू अ वॉक एट नाइट और फिर पूरी रात इसका नाक बंद रहा. तो नाउ वी ट्राई टू टेक हर ऑन वॉक व्हेन इट्स सनी डे. यस, एंड जस्ट ट्राई योर बेस्ट के अपने पपी को जितना थका सको बिल्कुल उतना आपके लिए, एंड इट इज बेटर यू गिव देम अटेंशन एंड स्पेशली प्ले टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर हेल्थ. तो जितना आप इनको अटेंशन दोगे उतना देर गना बी ऑनेस्ट एंड लॉयल टू यू एंड देर गना एक्चुअली लिसन टू यू. बट ये जो मूवियों में नजर आता है ना, ये लाइक फैमिली है और डॉग वहाँ पे इट्स जस्ट माइंडिंग इट्स ओन बिजनेस, इट्स बिकॉज वो पहला साल जो कुत्ते के साथ, नॉट इवन फर्स्ट ईयर, इट्स लाइक फर्स्ट 3-6 months. हाँ, बट लाइक अगर साथ, चलो ठीक है, हाँ फर्स्ट 3-6 months भी अगर आप दिल से दे दो एग्जैक्टली तो फिर वो पूरी जिंदगी आपको, फिर यू नो लाइक जब तक उनकी जिंदगी है आपको यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. इट्स द फर्स्ट 6 months आप ऐसे, जैसे बच्चा नहीं होता, नया बच्चा आता 6 महीने पहले, आप अनडिवाइडेड अटेंशन दो एंड इट इज गोइंग टू पे यू बैक. नाउ वी डन, वी गिव यू ऑल द अपडेट्स दैट वी थॉट यू नीडेड. अब सनी इज गोना ट्राई इफ शी लिसन. अब हम कुकी की कर रहे हैं ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग के लिए आई विल शो यू फ्यू स्टफ, ठीक है, और कुछ टॉयज है इसके, शी इज गोना बी ट्रेन्ड टू दैट टॉयज एंड वी आर गोना गिव हर ट्रीट्स. तो ट्रीट्स हमने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में दिखाई थी कि हम कौन सी ट्रीट्स यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ डू चेक आउट. तो ये हमारी कुकी, तो आई हैव हर स्क्विकी बॉल, आई हैव दिस टग टॉय एंड आई हैव दिस सॉफ्ट टॉय इलामा. और कोशिश करें यू फाइंड अ सॉफ्ट टॉय विदाउट एनी बटन्स. शी डजंट हैव नोज, शी डजंट हैव आईज, सो इट्स एवरीथिंग इज सूड. तो बिकॉज अगर वो चू करके
it is a risk case, she can swallow it. So we found this software without any buttons. So this is three things we're gonna train her. I use this ball just to call her because of the sound. So let's go. So abhi main zara isko thoda sa hila rahi hu so I can call her, and I'm gonna keep my treats with me in my hand. I'm not gonna give her this bit size. I'm gonna cut it with my nail and give her a little. I'm trying to make her hyper right now because abhi she knows that I have a treat in my hand. So Cookie, come here, sit. Good girl. Good girl. So ऐसे इसको तीन टाइम, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने अपने नाम की आदत दिलानी है, मतलब अपने नहीं नाम की जानवर के नाम को, तो इसका बेस्ट हल ये है कि कुकी सेट. इसका बेस्ट हल ये है कि आप उसका नाम बोलें और ट्रीट दें, लाइक जो भी, जैसे कुकी ट्रीट, कुकी ट्रीट, कुकी ट्रीट. एटलीस्ट डू दिस लाइक 5 to 6 टाइम्स अ डे. कुकी सिट डाउन, कुकी सिट डाउन. शी इज एक्चुअली लिसनिंग. जंप कुकी, गुड गर्ल, टेक दिस. तो ये देखिए जंप की ट्रेनिंग हो रही है इसकी. मस्त है ये कि वो जो पिंक टॉय है ना, उससे इतना खेलती है कि उसको भी वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा. जंप कुकी, जंप, जंप कुकी. तो अब हमें यहाँ जंप कराएंगे. कुकी जंप, कुकी जंप, कुकी जंप, जंप कुकी जंप. दिस इज द फाइनल जंप. अगर करती है नहीं, जंप कुकी, कुकी जंप, जंप. आपको इंतहाई का पेशेंस चाहिए. एग्जैक्टली. Jump! She did. Jump, Cookie! One, jump! She's trying, you're holding it too high. Yay! Good girl! Sit! Here it is. Sit ki bahut achhi aadat hui hai. And jump ki isko main training de rahi hu pichle last week se, so she's still a little bit confused. To ye thi hamari choti si training. Ab hum isko choti si wrestling dikhayenge aapko. Okay? Sit. Stay. 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 Go! See? So we're trying to, like, now we fight. See? She's like a baby. If you do not keep her interested, yeah, she's gonna, she's get gonna bored. Lose her. I'm trying to get her very interested with a toy. So I will see if she listens to me when I tell her to stop. Okay now, shh, Cookie, shh, shh, Cookie, stop, 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 Cookie, stop. Cookie, come here. No, no, khair, khair. She will leave. Okay, she will leave it if I let her get her thing with it. Yeah. So we're. Must say you also gotta let her win sometimes. Yeah. You know? Cause. No, we're not gonna lay down. Okay, stop. 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 Stay. 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 Go! So, that will come. I don't think you're in front of the camera. Cookie Dog Series Episode 2. And stay tuned. We're gonna take you on a journey with Cookie. Yes. So, alafez. And please don't forget to subscribe, press bell icon, and please kindly share it with your friends and family. Or आप लोग देखते हैं, आप लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक करें हमारी वीडियो. ये हमें धनिया काटने लगे कि मुझे प्लीज़ खाना. तो हम तीनों की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़.